आज हम चर्चा करेंगे तांडव के ऊपर। आज देश के अंदर सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा गढ़ने के लिए कुछ अति उत्साहित लिबरल लोग इस प्रकार आमादा हैं कि वो लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का नाम ले रहे हैं। जब उनके ऊपर कोई कानूनी चाबुक चलने की स्थिति आती है तो वो कहीं ना कहीं देश के संविधान की आड़ में छुपने को प्रयासरत हैं। आज सवाल उठ रहा है अली अब्बास जफर पर, जिन लोगों ने देश के अंदर एक ऐसा जहरीला कंटेंट वेब सीरीज के नाम पर परोसना प्रारंभ कर दिया है। उसी फहरिस्त में हमारे ऊपर एक प्रहार है तांडव, और तांडव में किस प्रकार हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप हम लोग उसको जो है एक एंटरटेनमेंट का पैकेज समझकर देखने के लिए मजबूर हैं, परंतु क्यों? आज ये सवाल उन लोगों से पूछने से पहले हमको खुद से करना होगा कि ये एंटरटेनमेंट की आड़ पर हमारी धार्मिक मूल्यों पर, हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर जो है कुठाराघात कब तक चलता रहेगा। जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, खबर आ रही है कि अली अब्बास जफर ने जो है माफी मांग ली है। डर किस बात का कि योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस मुंबई पहुंच रही है और उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। आज उस माफीनामे पर एक बार सरसरी निगाह डाल लेना बहुत आवश्यक है। माफीनामे में लिखा क्या गया है? कला की अभिव्यक्ति की आड़ में हिंदू समाज के ऊपर और हिंदू धार्मिक अभिव्यक्तियों पर छींटाकशी करने वाले लोगों के खिलाफ जब कानूनी चाबुक चलने लगा, जब लखनऊ में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस मुंबई की ओर रवाना हो गई, तो उन लोगों ने माफी मांगने में ही भलाई समझी। परंतु माफी का लबो लुआब पढ़ना, समझना और जान लेना आवश्यक है। माफी में क्या लिखा गया है, मैं आपको शब्द दर शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप लोग भी इसका अर्थ समझें और इसका विश्लेषण करें, क्योंकि यह माफी काफी नहीं है। आप एक फिल्म बनाएंगे, आप देश के सबसे टॉलरेंट और सबसे बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं, धार्मिक मान्यताओं का मखौल उड़ाएंगे और उसके बाद माफी में लिखेंगे द कास्ट एंड क्रू डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल कास्ट कम्युनिटी रेस रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ और इंसल्ट और आउटरेज एनी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन लिविंग और डेड। The cast and crew of Tandav take cognizance of concerns expressed by the people and unconditionally apologize if it has been unintentionally hurt anybody's sentiment. इसको बहुत ही चलाकी से की गई बदतमीजी बोला जाता है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस प्रकार से पूरे होशो हवास में एक पूरी फिल्म बना रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, और जब आपको दिखता है कि देश भर में इसके खिलाफ आउटरेज प्रारंभ हो गया, तो आप इससे बचने के लिए एक आसान सा जो है रास्ता निकाल लेते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ताजा तरीन उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था अली, और उसके पश्चात एक संप्रदाय विशेष के लोग उस रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर टूट के पड़े कि ये रेस्टोरेंट अली के नाम पर क्यों खोला गया, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कमलेश तिवारी को तो आप हम लोग भूले नहीं होंगे, एक बदतमीज नेता के बयान के प्रतिउत्तर में एक बयान देना कमलेश तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। चार्ली हेब्दो से लेकर तमाम उदाहरण चीख चीख कर एक संप्रदाय विशेष के इनटॉलरेंस के हजारों लाखों सबूत दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज जो लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं, वो लोग हमारे आराध्यों के ऊपर किस प्रकार की जो है छींटाकशी कर रहे हैं।
आज अली अब्बास जफर जी से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि कभी आप अपने मजहब के ऊपर फिल्में बनाएंगे? क्या आपकी सारी की सारी अभिव्यक्ति की आजादी की प्रयोगशाला हिंदू समाज ही है? क्या आप अगर इतने ही वोक हैं, आप इतने ही सजग हैं, तो कृपया आप अपने संप्रदाय, आप अपने धर्म के ऊपर फिल्म बनाइए, ताकि आपके धर्म की सच्चाइयां इस देश के सामने आनी चाहिए। परंतु ये जो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का गेम है, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग किया जा रहा है, और बॉलीवुड इसमें पूरा का पूरा इसमें सहयोग दे रहा है। और आज हमारे आराध्यों के ऊपर किया गया जो भद्दा मजाक, और एक एक जिस प्रकार का ये माफीनामा है, ये माफीनामा नहीं है, ये पहली ही लाइन में बता दिया गया है कि ये जो है एक फिक्शन है। अगर ये फिक्शन होता तो ये फिक्शन ऐसा नहीं होता। आप किसी समाज के आराध्यों के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज बना रहे हैं, और उसको फिक्शन का नाम देकर पूरी फिल्म लॉन्च करने के बाद आप एक जो है माफीनामा देकर आप अपना काम कर रहे हैं और कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये सवाल सैफ अली खान से पूछा जाना चाहिए कि आप की उम्र इतनी हो गई, क्या आप अपने समाज के ऊपर या जिस संप्रदाय से आप आते हैं, आप उसके ऊपर कुछ फिल्म बनाने का जो है प्रयास करेंगे, आप साहस दिखाएंगे? परंतु इस देश के अंदर पीके जैसी फिल्में बनाई जाएंगी, इस देश के अंदर तांडव जैसी जो है वेब सीरीज बनाई जाएंगी, और उसके बाद इस देश में जो है एक हिंदू फोबिया नाम का एक विषय चला दिया जाएगा, और समाज के अंदर एक प्रकार का समरसता का जो माहौल बिगाड़ने का जो काम इन तथा कथित लिबरल लोगों के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, एक एजेंडा देश के अंदर प्लांट किया जा रहा है, ये चलेगा। एक तरफ मुनव्वर राणा लोगों के गले उतार देने की बात करते हैं, और उनके समर्थन में जो है तमाम लोग आ जाते हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है? हमने एक फिल्म देखी, फिल्म का नाम था विश्व रूपम। आज देश जानना चाहता है कि उस विश्व रूपम के साथ क्या हुआ था, और उसके जो भी उसके प्रोड्यूसर्स थे, उसके डायरेक्टर्स थे, उन लोगों को झुकना पड़ा था या नहीं पड़ा था। तो इस प्रकार के जब दोहरे मापदंड देश के सामने लाए जाएंगे, क्योंकि इट इज इनफ ऑफ प्लेइंग विद हिंदू सेंटिमेंट्स, अब इससे ज्यादा सहन नहीं होगा। आज देश के तमाम नेताओं ने, हिंदू समाज से आने वाले तमाम जो है लोगों ने, चाहे वो कपिल मिश्रा हों, चाहे मुंबई के सांसद मनोज कोटक हों, उन्होंने जो है देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री से लेकर जो है लीगल नोटिस अमेज़न प्राइम को भेजा है, और आज आवश्यकता है इस तांडव को तांडव के ही शक्ल में जवाब देने की। आज आवश्यकता है इसका प्रतिकार करने की, क्योंकि यदि आप और हम लोग इसी प्रकार से इग्नोरेंट रहेंगे तो हमारी धार्मिक मूल्यों मान्यताओं के साथ इसी प्रकार का भद्दा मजाक किया जाता रहेगा, और इस प्रकार हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनसे वो लोग महरूम रहेंगे। तो आज जरूरत है कि जो इस प्रकार की साजिश हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ, और जो हमारी टॉलरेंट जो हमारी संस्कृति है, इसको किस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसको एक्सपोज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि एक तरफ एक समाज है कि कार्टून भर छापने से जो है लोगों के गले उतार देता है, म्यांमार से लेकर विश्व के किसी कोने में कुछ हो जाए, भारत के अंदर जो है एक संप्रदाय विशेष यहां पर दंगों की स्थिति ला देता है, परंतु हमारे समाज, हमारे हमारे धर्म के आराध्यों के खिलाफ होने वाली छींटाकशी, उनके पर होने वाले जो है बेतुके बयान, और तो और आज फिल्मों के माध्यम से किस प्रकार से उनको अपमानित किया जा रहा है, उसके ऊपर यदि हम बोलने का प्रयास करते हैं तो हिंदू फोबिया नाम का शब्द जो है इस प्रकार से कॉइन कर दिया जाता है। तो साथियों, आज आवश्यकता है स्पेड को स्पेड बोलने की, और हमारे संप्रदाय, हमारे समाज, हमारे धर्म के खिलाफ हो रहे इस अंतरराष्ट्रीय साजिश के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की। खबर इंडिया इसमें आप लोगों के साथ है, आप लोगों के समर्थन की अपेक्षा करता है। धन्यवाद।